आज की जो वीडियो है ये एक बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाली है। अगर आपको डेटा को फिल्टर करना है, सॉर्ट करना है, कई बार क्या होता है, आपके बॉस ने आपसे बोला कि भाई मेरे को ये डेटा डिपार्टमेंट वाइज चाहिए या सेक्शन वाइज चाहिए। जैसे हमारे पास ये जो टेबल दिख रही है आपको, इसमें कुछ इम्प्लॉयज का सैलरी का डेटा है, ठीक है, और आपके बॉस ने बोला कि भाई ये मेरा डेटा जो है मुझे एक रीजन वाइज निकाल के दो, ब्रांच वाइज निकाल के दो या डिपार्टमेंट वाइज निकाल के दो। तो उसमें हम क्या करते हैं, इसका फिल्टर लगाते हैं। तो फिल्टर का हमने इससे पहले शॉर्टकट क्या सीखा था, कंट्रोल शिफ्ट एल। तो कंट्रोल शिफ्ट एल दबाएंगे तो हमारा फिल्टर लग जाएगा, ठीक है, ये शॉर्टकट है। अदरवाइज आप यहां से भी राइट साइड में जो आपको ये दिख रहा है इस पे जा करके यहां से भी फिल्टर लगा सकते हो। अब मुझे अगर डिपार्टमेंट वाइज डेटा देखना है तो मैं जाऊंगा डिपार्टमेंट में, यहाँ पे जिस डिपार्टमेंट का मुझे डेटा देखना है फाइनेंस का, तो फाइनेंस सेलेक्ट करूंगा तो फाइनेंस का डेटा मेरा आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे कोई रीजन वाइज डेटा देखना है तो यहां से मैं सिलेक्ट करूंगा ईस्ट रीजन और ये मेरा डेटा आ गया। तो इस तरीके से फिल्टर काम करता है। अगर आपको ये ना करना हो और मैं आपको एक ड्रॉप डाउन बनाकर दे दूं कि आप सेलेक्ट करें रीजन, ये डेटा अपने आप पूरा सॉर्ट हो जाए। ऐसे ही अगर आप सेलेक्ट करें डिपार्टमेंट और ये डेटा अपने आप डिपार्टमेंट के हिसाब से सॉर्ट हो जाए, तो उसी में जो हमारी मदद करता है वो फिल्टर फॉर्मूला करता है। और ये फॉर्मूला जो है, जो लेटेस्ट वाले जो एक्सेल्स हैं उनके अंदर ही काम करेगा या गूगल शीट के अंदर काम करेगा। अब आप चल रहा है 2024 और यूज कर रहे हो एक्सेल 2007 और फिर बोलो ये काम नहीं कर रहा, तो उसमें मैं कुछ मदद नहीं कर पाऊंगा। तो सीखते हैं ये फॉर्मूला कैसे काम करता है। एक बार फिल्टर हम यहां से हटा देते हैं कंट्रोल शिफ्ट एल दबा करके, ठीक है। सबसे पहले अगर हमें डिपार्टमेंट वाइज डेटा निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे सीधा फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू फिल्टर। ये आपको पता ही है, कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए एक्सेल में सबसे पहले हमें इक्वल्स टू का सिंबल दबाना पड़ता है, ओपन ब्रैकेट, ठीक है। अब ये पूछ रहा है अरे कि आप किस रेंज में फिल्टर लगाना चाहते हो, तो उसके लिए हमें डेटा सिलेक्ट करना होगा। यहां से हम गए, सिलेक्ट किया, ये हमारा डेटा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या दबाना है, कोमा दबाना है। देन पूछ रहा है इंक्लूड, ठीक है, इंक्लूड मतलब कि आप किस केस में फिल्टर लगाना चाहते हो। तो हमें फिल्टर क्या लगाना है, फिल्टर हमें लगाना है डिपार्टमेंट वाइज, और डिपार्टमेंट हमारा किस में है, कॉलम डी में। तो जिस रेंज में हमने A3, जैसे A3 से लेके H99 तक सिलेक्ट किया, इसी के अंदर जो हमारा डिपार्टमेंट है वो हमारा D3 के अंदर है। तो D से हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, लास्ट तक लेकर के आएंगे कि भैया कॉलम डी में मेरा डिपार्टमेंट है। फिर हम इक्वल्स टू का सिंबल दबाएंगे। अब यहां पर आप कुछ लिखना चाहो तो डायरेक्ट लिख भी सकते हो, जैसे मैंने यहां लिख दिया सेल्स और एंटर मार दिया, ठीक है। तो ये इसने मेरा सेल्स का डेटा सॉर्ट कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं बार बार अंदर फॉर्मूले में जाके यहां पर तो चेंज करूंगा नहीं, ठीक है, कि जैसे हमारा ये फॉर्मूला है तो बार बार यहां पर तो नहीं चेंज करने वाला। अब मैं चाहता हूं ये डायनामिक हो, जैसे ही मैं सिलेक्ट करूं कुछ भी एक डेटा तो ये अपने आप डिपार्टमेंट के हिसाब से हो जाए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम यहां पर इस कॉलम ओ के अंदर सेल्स लिख सकते हैं या फिर हम यहां पर एक ड्रॉप डाउन लगा सकते हैं। ड्रॉप डाउन कैसे लगाते हैं एक्सेल के अंदर, आपने जाना है जहां ड्रॉप डाउन लगाना है उसको सिलेक्ट करेंगे आप सेल को, उसके बाद डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन के अंदर जाएंगे, डेटा वैलिडेशन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। देन यहां से सिलेक्ट करेंगे हम क्या, लिस्ट, अगर हमने किसी लिस्ट से लेना है, अदरवाइज हम यहां पर टाइप भी कर सकते हैं। तो लिस्ट का सोर्स क्या है, यहाँ ये जो एरो दिख रही है इसको दबाएंगे और लिस्ट का सोर्स है हमारा ये वाला, यहां से हमने सिलेक्ट किया पूरा, ठीक है, यहां तक हमने सिलेक्ट कर लिया, इसको ओके किया, ठीक है, और यहां पे हम क्या करेंगे, इसको ओके कर देंगे, ठीक। तो ये हमारा क्या हुआ, ये इस तरीके से हमारा ड्रॉप डाउन लग गया यहाँ पर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम फिल्टर फॉर्मूला पे। तो हमने पहले तो डायरेक्ट कुछ लिख दिया था, अब हम दोबारा से एक बार फिल्टर फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल्स टू फिल्टर, ठीक है। देन क्या करना है हमको, रेंज सिलेक्ट करनी है, यहां से गए हम ऐसे रेंज सिलेक्ट करी, देन हमें कोमा दबाना है, उसके बाद हमें क्या सिलेक्ट करना है, जिस कॉलम के अंदर
हम फिल्टर जिसके बेस पे लगाने वाले हैं उसको सिलेक्ट करना है, तो हमें डिपार्टमेंट वाइज डेटा चाहिए, तो ड्राफ्ट डिपार्टमेंट वाले कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। देन हम दबाएंगे क्या, इक्वल्स टू का सिंबल, ठीक है, कि ये इक्वल्स टू हो, उसके बराबर हो। इसको नॉट इक्वल टू भी कर सकते हो, मतलब आप जैसे भी लगाना चाहो वैसे लगा सकते हो। तो इक्वल्स टू किसके हो, कॉलम ओ, सॉरी सेल O1 के इक्वल्स हो, ठीक है। और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर मार देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी डेटा आया नहीं क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ब्लैंक है, तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया सेल्स, तो ये हमारा सेल्स का डेटा आ गया, ठीक है। अब हमने यहाँ मार्केटिंग सिलेक्ट किया तो मार्केटिंग का डेटा आ गया, ठीक। हमने यहाँ सेल्स सिलेक्ट किया, सेल्स आ गया। R&D सिलेक्ट किया, R&D आ गया, ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पर एडमिन सिलेक्ट किया, एडमिन आ गया। तो कितना आसान है यहाँ से आपको डेटा निकालना, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी डिपार्टमेंट का यहाँ से डेटा सॉर्ट बड़ी ही आसानी से कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया डिपार्टमेंट वाइज। अगर आपको यही डेटा अगर रीजन वाइज निकालना हो, सेम फंक्शन काम करेगा। सेम फंक्शन कैसे काम करेगा, आपको यहां से लिखना है क्या, इक्वल्स टू फिल्टर, अपनी जो अरे है उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहां से हमने सिलेक्ट की अरे, लास्ट तक गए, कॉमा दबाया हमने, ठीक है। रीजन किस कॉलम में लिखा हुआ है, रीजन हमारा कॉलम ई में है, कॉलम ई को सिलेक्ट किया, ठीक है, कॉलम ई। उसके बाद हमने दबाया इक्वल्स टू, इक्वल्स टू किसके हो, तो यहाँ पे भी हम एक ड्रॉप डाउन लगा देंगे इस वाली सेल में, इस सेल के इक्वल्स टू हो, ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्लोज, ठीक है। अभी इसने डेटा उठाया नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, पहले यहाँ लिखेंगे रीजन, ठीक है। तो रीजन क्या है हमारा, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, तो इसने ईस्ट का पूरा डेटा दे दिया। अगर ये वेस्ट होता, WEST वेस्ट, तो ये पूरा वेस्ट का डेटा दे देता। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डेटा को फिल्टर कर सकते हो, और बड़ी ही आसानी से आप डेटा सॉर्ट करके प्रेजेंट कर सकते हो किसी को भी, अपने बॉस को प्रेजेंट करना चाहो या आपको ये रिपोर्ट बनाना चाहो। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। इसी के साथ समाप्त करते हैं वीडियो को, धन्यवाद।